पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है, जहां चुनाव के कुछ दिन पहले ही अमृतसर के मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। जहां करमजीत सिंह रिंटू अमृतसर नॉर्थ का बड़ा चेहरा माना जाते हैं, इसके बाद आपके संस्थापक अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनके आने से आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि अमृतसर की सभी सीटों पर पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पंजाब का व्यापारी डरा हुआ है और व्यापार नहीं कर पा रहा है, और इसी वजह से ये बाहर जाकर व्यापार करता है। लोगों की मांग रही है कि अमृतसर को वर्ल्ड आइकन सिटी बनाया जाए, और जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी तो अमृतसर को वर्ल्ड आइकन सिटी बनाने जाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। हरमिंदर साहब जी के दर्शन करने के लिए लाखों लोग आते हैं। व्यापारी और पंजाब के हर आदमी को इन्होंने डरा रखा है। परचा राज पूरे पंजाब में है। कोई पत्रकार अगर लोगों से जाकर पूछते हैं कि किसको वोट देंगे तो लोग डरे रहते हैं और बोलते हैं कि परचा हो जाएगा। जितने पुराने परचा इन लोगों ने कर रखे हैं, उनको खत्म किया जाएगा, लोगों के अंदर से डर निकाला जाएगा, परचा राज बंद किया जाएगा। व्यापारियों को भी इस परचा राज का डर रहता है। अलग अलग नाम से पंजाब में फिरौती ली जाती है, इस सब को बंद कर देंगे। हम व्यापारी से अपील करते हैं कि 22 दिन हम मात्र रह गए हैं, उसके बाद पंजाब में खुशी का माहौल और शांति का माहौल होगा। झाड़ू पर बटन दबाते ही डर खत्म हो जाएगा। पूरा पंजाब आतंक के दौर से गुजरा है। हर आदमी के अंदर यह रहता है कि वह दौरा वापस नहीं आना चाहिए। कांग्रेस ने अपने 5 साल के शासन में पंजाब का माहौल खराब कर दिया है। अगर बेअदबी कांड की समय पर जांच हो जाती तो आरोपी को सजा मिल जाती, तो हरमिंदर साहब के अंदर बेअदबी की किसी की हिम्मत नहीं होती। और लुधियाना में भी ब्लास्ट हुआ, जिससे लगता है कि कांग्रेस भी इन सब में मिली हुई है।